भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। भिवंडी शहर में एक लाइसेंसी है टोरेंट पावर कंपनी। ये कंपनी जो है पावर सप्लाई का काम देखती है और भिवंडी के अंदर बारिश की वजह से कई जगह पे फॉल्ट हुए। ये पावर कंपनी इतनी जालिम है कि ये लोग नौकरी पे रखते हैं लोगों को, अपना आई कार्ड देते हैं टोरेंट पावर का, लेकिन पेपर वर्क क्या करते हैं ये कि ये किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हैं। 3 दिन पहले भिवंडी वेस्ट के अंदर एक छोटा गांव है, वहां पे फॉल्ट हुआ करके इस लड़के को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया और उसको एक्चुअली हाई टेंशन वायर पे, अगर आप वीडियो देखेंगे, वो लटका हुआ है और एक पोल से दूसरे पोल जाने के लिए मशीनरी या क्रेन ना यूज करते हुए उस बच्चे को चढ़ाया गया और नीचे टोरेंट पावर के लोग खड़े थे। उसके बाद उसी हाई टेंशन वायर पे लटक के उस बच्चे की जान गई। बॉडी कहाँ गई पता नहीं चला, हम 2 दिन से दूर रह के कल जाके वो बॉडी मिली। मैं थाना डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बॉडी मिली। मिलने के बाद और तो ये 24 घंटे हो गए, अब तक उस कंपनी के ऊपर FIR नहीं की गई। FIR इसलिए नहीं की गई क्योंकि टोरेंट पावर कंपनी एक पावरफुल कंपनी है, गुजरात से उसका रिश्ता है। लेकिन अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के पास मैंने मुलाकात की, उन्होंने उनसे कहा कि देखिए ये जान गई है, ये बात दबेगी नहीं, शहर पूरा रस्ते पे आ गया है। उन्होंने इमीडिएटली आदेश दिए और मुझे अभी मेरे अध्यक्ष वहीं पे रामपुरा पुलिस स्टेशन में है। मैंने अपने तमाम साथियों को कहा था कि जब तक FIR नहीं होगी आप वहाँ से हिलना मत, और मैं भी यहाँ से वहीं जाने वाला हूँ। लेकिन मुझे अभी सीनियर PI का फोन आया था कि हाँ उस पर FIR हो रही है और उस बच्चे को हमने मांग की है कि 25 लाख रुपये मुआवजा मिले। उस बच्चे को जो है उसके घर में हालात ठीक नहीं, तो एक किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जान का मुआवजा नहीं हो सकता। टोरेंट पावर के वो लोग जिन्होंने इतना घिनौना काम किया कि गरीब बच्चे को, एक गरीब माँ के बच्चे को कह दिया कि आप इस लाइव वायर से चल रही है, उसका वीडियो है, तो उस पर कार्रवाई हो। इसलिए मैं सामान्य गृह मंत्री और DCM देवेंद्र फडणवीस जी के पास था। अब उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला है कि FIR का प्रोसीजर चालू हो गया है।